हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं किसी पार्क के अंदर। जैसे कि आपको देख के पता चल गया होगा कि ये कोई पार्क का नज़ारा है, लेकिन इस पार्क में आने का कुछ मोटिव ही अलग था, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं इस पार्क के बारे में कुछ बता दूं। ये है एकाम्रकानन पार्क, जो कि नयापली भुवनेश्वर में प्रेजेंट है, और इसका एंट्री फीस है 25 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 10 रुपीज़ फॉर किड्स। एंड ये पार्क मंडे टू संडे खुला रहता है, एंड सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, लेकिन संडे के दिन शायद ये थोड़ी देर भी खोल के रखते हैं। और इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, लाइक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स यू कैन गेट ओवर हियर। एंड ये प्लेस फेमस है प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए। यहाँ पे वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं, अगर विंटर में आते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ये प्लेस बहुत ही अच्छा जगह है। इस पार्क में आने का मोटो था कोरापुट कॉफ़ी। यस, कोरापुट कॉफ़ी जो कि उड़ीसा का कल्टीवेटेड कॉफ़ी है, और इसका एक छोटा सा कैबिन यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इस पार्क के अंदर ही है। यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, फैमिलीज लेके भी बहुत सारे लोग आते हैं। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है अभी, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो, कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हो, जो कि उड़ीसा का कल्टीवेटेड है खुद का। एंड इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में कॉफ़ी, बहुत टेस्टी कॉफ़ी, उसके साथ आप डिफरेंट डिफरेंट कुकीज़ का भी मज़ा ले सकते हो। ये कुछ क्लोज व्यूज़ थे जो कि उस कैबिन का था, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। एंड ये जो है कॉफ़ी मेकर कॉफ़ी बना रहे हैं, ये था प्राइस टैग। और कुकीज़ के साथ साथ, कॉफ़ी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे ब्राउनीज़ का मज़ा भी ले सकते हो। यहाँ पे ब्राउनीज़ भी अवेलेबल था, हाँ, ये रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिल रहा था, एंड ब्राउनीज़ भी अवेलेबल था। तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे मज़ा ले सकते हो। एंड ये है कोरापुट कॉफ़ी का टैग लोगो, एंड ये है बैठने के लिए प्लेस, जो कि अच्छे से बहुत खूबसूरत से मेंटेन किया गया है। लोग यहाँ चारों तरफ बैठ के कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। आप लोग भी यहाँ पे आइए एंड कॉफ़ी का मज़ा लीजिए, कोरापुट कॉफ़ी का। ये जो हमने ऑर्डर किया था, कुछ फोटोग्राफ्स उसका है, या एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे रोज़ गार्डन देखने के लिए जा सकते हो। तो रोज़ गार्डन यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा है, एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ रोजेस यू कैन गेट ओवर हियर, लाइक बहुत ही खूबसूरत था। और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी यहाँ पे अलाउ है, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं। एंड अगर विंटर में आते हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर विंटर में नहीं भी आते हो तो भी अच्छा रहेगा, कॉफ़ी का मज़ा ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क भी है, तो बच्चों के साथ भी इंजॉय हो जाएगा। देन यहाँ पे कुछ खूबसूरत सा नज़ारा जो मैंने कैप्चर किया था, तो इसका भी मज़ा ले लीजिए। कोरापुट कॉफ़ी का मज़ा लेने तो यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा था वो। और हमारा खुद का कल्टीवेटेड है, बाहर से हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड बहुत रिजनेबल प्राइस में भी था, और रागी कुकीज़ भी वहाँ पे मिलता है, जो कि बहुत हेल्दी होता है, तो इट्स गुड इनाफ। तो यहाँ पे रोज़ गार्डन एंजॉय करने के बाद आप लोग डायरेक्टली कुछ अच्छे से प्लेस में जा सकते हो, जो कि यहाँ पे ही प्रेजेंट है, तो कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। To wait and watch this video till the end. Yeah, this lake. यहाँ पे lake है जहाँ पे boating के facilities है, आप लोग boating के facilities ले सकते हो, enjoy कर सकते हो beautiful sunset को। लेकिन अभी covid के वजह से यहाँ पे boating बंद था, लेकिन आप लोग ले सकते हो यहाँ पे boating के facilities, जो कि 50 rupees के अंदर ही होता है। I hope you will enjoy this video and come this place and explore more. So till then, bye bye.